राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ के बैनर तले ग्राम ठाकुर द्वारा के लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि ग्राम वार्ड एक थाना ठाकुर द्वारा में रहने वाले चरण सिंह पाल पुत्र मंगू पाल सिंह ने SSP को शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि चरण सिंह की पत्नी नीतू तथा पुत्र आशीष को दिनांक 18/1/2023 को बदमाशों ने तमंचे के बल पर अगवा कर लिया था। शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि थाना डिलारी अंतर्गत ग्राम नाखून का निवासी विमल कमल पुत्र सुरेश ने बदमाशों की मदद से जबरन चार पहिया वाहन से उतरवा कर अगवा कर लिया था। आरोप है कि ये लोग पहले भी चरण सिंह को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। अगवा होने की शिकायत पीड़ित ने थाना ठाकुर द्वारा से की, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर पीड़ित राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ के बैनर तले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहां पहुंचा और शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। डॉक्टर राजकुमार, समस्या ये है कि जो हमारे ये चरण सिंह पाल साहब हैं, उनकी घरवाली और बच्चे का अपहरण कर लिया गया है और ये सरकड़ा करीम ठाकुरद्वारा के रहने वाले हैं। आज एक हफ्ता हो गया है और पुलिस में भी जो है तहरीर दे रखी है। जब ये वहाँ जाते हैं तो उल्टा इन्हें ही धमकाया जाता है, बोले या तो तू इसे छोड़ दें और नहीं तो तेरी भी हम यहाँ लॉकअप में डाल के पिटाई करेंगे। मेरा जो है अनुरोध है कि जिसके बीवी बच्चे गए हों उसकी स्थिति क्या होगी, इन्हें न्याय दिलाया जाए। आपका? मेरा चरण सिंह है। चरण सिंह, क्या समस्या आपकी? समस्या ऐसा है कि मेरी बीवी बच्चे 8 दिन से गायब है और जी कानून कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बच्चे मुझे मिल जाए। आपने पुलिस में रिपोर्ट की थी क्या? रिपोर्ट की थी साहब, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कहाँ का मामला है? थाना ठाकुर द्वारे का। तो अब कहाँ पे आए हैं आप लोग? मुरादाबाद। कहाँ पे आए हैं? SSPO के। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी करेंगे, बरामद कराएंगे।